जी क्वेश्चन नंबर 11 पर बढ़ने से पहले हम लोग कंपोजिट फंक्शन जरा देख लेते हैं। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है? तो सपोज कीजिए आपके पास एक सेट है ए और ये सेट है बी। पहले दो सेट के दरमियान फंक्शन डिफाइन होता था, अब तीन सेट के दरमियान होगा और ये है सेट सी। मतलब कि पहले फंक्शन जो एलिमेंट्स हैं यहाँ से यहाँ मैप करेंगे, फिर यहाँ से लेके यहाँ मैप करेंगे। जब हम यहाँ से दो को करते थे तो उसको हम फंक्शन का नाम एफ दे देते हैं, यहाँ पर जी होगा। ठीक है, अब होगा क्या, बालों का ये भी हो सकता है कि मैं यहाँ से यहाँ मैप करूँ। ठीक है, तो वो क्या होगा, या मैं ये कर सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ मैप करूँ, मैं एरो बना देता हूँ, यहाँ से यहाँ मैप करूँ, तो इस पर ये क्या होगा। तो कंपोजिट फंक्शन का नाम जो है कंपोज से निकला है, कंपोज मतलब के बनाना, तो ये बनाया हुआ फंक्शन है जो खुद बनाया गया है और पुराने फंक्शन को देख के नई तकनीक दी गई है। अच्छा, अब याद रखिएगा जब भी आपको किस तरीके से दिया जाए जी ओ एफ, ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं जी ऑफ एफ। ठीक है, इसको कैसे बनेंगे, तो ये आप याद रखिएगा, ये जो फंक्शन है ये आपके पास ए से लेके सी पे, ये वाला जो फंक्शन है यहाँ से जो यहाँ हो रहा है ये जी ओ एफ होता है। ठीक है, और जो सी से ए पर आए उसको हम लोग कहते हैं एफ ओ के। ठीक है, तो जो आपके जी ओ एफ है वो ए से सी पे होगा और f ऑफ g जो होगा वो आपके पास c से a पर होगा। पर छोटी सी चीज़ है तो इसको कैसे पढ़ लिखते कैसे हैं, अगर आपके पास g ऑफ f हो तो हमारे पास बराबर होता है g ऑफ f ऑफ x। ठीक है, मतलब ये g का जो भी फंक्शन होगा उसमें f का हिसाब लें। तो यहाँ जरा देखें g ऑफ f निकालते हैं। अच्छा, g ऑफ f आपके पास एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के अंदर आपने एफ एक्स जाना, एक्स स्क्वायर के अंदर एफ एक्स डालेंगे मतलब कि एक्स की जगह आ जाएगा एक्स प्लस टू का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस टू का स्क्वायर। तो इसको करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर। ठीक है, ये जी ऑफ एफ एक्स हो गया और यही आपको यहाँ पे दिया हुआ है एच। ठीक है, यही एच है। अब आपके पास ये फंक्शन है, ठीक है, जो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स एक फंक्शन है, इसको आपने यूज करके क्या करना है, आपने दो फंक्शन डायरेक्टली में निकालनी है और इनवर्स में निकालनी है, जो इसके ये दो पार्ट है ए बी। वो मैं चाहता हूँ ये पुराने क्वेश्चन नंबर 10 की तरह बन चुका है, मैं चाहता हूँ ये सवाल आप खुद करें। ठीक है, जरा देखिए और इस सवाल का जो भी आंसर होगा वो आप मुझे मैसेज करें, कमेंट करें और मुझे बताएं आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, घबराने की बात नहीं है, तो आपने परेशान नहीं होना। अगर आप चाहते हैं मैं आप इस क्वेश्चन की हिंट दे दूँ तो हिंट क्या है, जब आप मैंने ये जियो का निकाला था तो ये वैल्यू निकली थी और मैंने फिर इसको ओपन किया था। आप इसको ओपन ना करें, यही फंक्शन आप यूज़ करें, आपका आंसर निकल जाएगा।